चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना और वीडियो को लाइक करना। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि YouTube प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं। तो प्लेलिस्ट के पहले फ़ायदे के बारे में आपको बता देता हूं कि प्लेलिस्ट का फ़ायदा क्या होता है बनाने का। तो प्लेलिस्ट बनाने का यही फ़ायदा होता है कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो डालते हैं, जैसे कि मिंत्रा पे मैंने अभी वीडियो डाला हूँ, तो अगर आप मिंत्रा पे दो चार वीडियो डाल देते हैं मिंत्रा के रिलेटेड कोई भी चीज़ का, तो आपको अपना प्लेलिस्ट बना लेना चाहिए। क्योंकि जब आपका सब्सक्राइबर आपके जो भी कैटेगरी है, जैसे मिंत्रा का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपके चैनल का वीडियो देखना चाहता है, तो उसे सभी सब्सक्राइबर है वो आपके प्लेलिस्ट में जाके आपका वीडियो देख सकता है। तो चलिए मैं अपना प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसे मैं पहले दिखा देता हूँ। तो मैं अपने चैनल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ प्लेलिस्ट का ऊपर में एक होम है और वीडियो है और प्लेलिस्ट इधर है। तो प्लेलिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का 3 वीडियो है, तो 3 वीडियो मैं यहाँ पर डाला हूँ। तो इस पर अगर आपका व्यूअर सब्सक्राइबर क्लिक करता है तो यहाँ जो भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के रिलेटेड वीडियो है वो यहाँ शो हो जाता है, जैसे कि मोबाइल नंबर से रुपया कैसे भेजें, रजिस्टर कैसे करें मोबाइल एप्लीकेशन में, कस्टमर आईडी कैसे पता करें। तो इस तरह से आपका जो भी सब्सक्राइबर है वो आपका चैनल को खोल के देख सकता है कि मुझे क्या देखना है और क्या चीज़ का उसका प्रॉब्लम है। तो अगर आपके चैनल पर इस तरह से वीडियो हैं तो आप प्लेलिस्ट बना लीजिए। अगर आप एक टॉपिक पर 4-5 वीडियो डाल देते हैं तो आपको प्लेलिस्ट ज़रूर बनाना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं, और अगर आप प्लेलिस्ट नहीं बनाना जानते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखें। और दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हमारे सब्सक्राइबर जो है हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आगे कुछ और नया करें। तो चलिए मैं आपको प्लेलिस्ट बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब का एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं ओपन कर लेता हूँ यूट्यूब एप्लीकेशन को। इसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होता है, तो आपको ऊपर आपके चैनल का लोगो ऊपर शो हो जाता है। तो ऊपर लोगो पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको योर चैनल पे आपको क्लिक करना है। तो योर चैनल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो भी वीडियो है वो शो हो जाता है। तो आपको वीडियो के 3 डॉट है जो बगल में, 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। तो हाउ टू अपडेट इन प्ले स्टोर, तो ये वीडियो है, और नीचे है IPP का मैसेज डिलीट कस्टमर आईडी। अगर आप पहले से प्लेलिस्ट बनाए हैं तो जैसे ही 3 पे क्लिक करेंगे तो सेव टू प्लेलिस्ट पे आपको बोलेगा। तो आपका जो भी प्लेलिस्ट का नाम है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ये वीडियो है रिलेटेड, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है और डन पे आपको क्लिक करना है। तो मेरा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके डन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मेरा पोस्ट ऑफिस बैंक में जो प्लेलिस्ट है उसमें चला जाएगा। तो मैं अभी आपको प्लेलिस्ट को खोल के बताता हूँ। पहले 3 वीडियो था, अब इसमें 4 वीडियो आ चुका है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का प्लेलिस्ट खोलेगा तो उसमें उसी तरह का वीडियो मिलेगा। अब मैं आपको नया प्लेलिस्ट बना के बताता हूँ। तो हाउ टू अपडेट ऐप इन प्ले स्टोर, इस वीडियो को मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और सेव टू प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। और ऊपर देखिए न्यू प्लेलिस्ट पे है, उस पर आपको क्लिक करना है और नीचे यहाँ प्राइवेसी में पब्लिक आपको सिलेक्ट करना है। अगर प्राइवेट कर देते हैं तो आपका वीडियो आपके कोई भी सब्सक्राइबर नहीं देख पाएंगे आपके सिवा, जब आप उसे लिंक शेयर कर देंगे तो ही वो देख पाएंगे, वरना नहीं देख पाएंगे। और टाइटल में आपको प्लेलिस्ट का नाम जो भी रखना चाहते हैं, तो मैं अपना प्लेलिस्ट का नाम प्ले स्टोर ही रखूँगा, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है तो वही रखूँगा। तो आपको भी वीडियो के रिलेटेड ही आपको नाम रखना है। और यहाँ क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना है तो आपका प्लेलिस्ट तैयार हो जाता है। आप सी लिस्ट पे आपको क्लिक करके देख सकते हैं मेरा प्लेलिस्ट तैयार है हो चुका है, और प्ले स्टोर के प्लेलिस्ट में एक वीडियो भी आ चुका है। इस तरह से आप जो भी वीडियो प्ले स्टोर के रिलेटेड बनाएंगे वो उसमें आप डाल सकते हैं, तो आपके जो भी सब्सक्राइबर है उसे आसानी होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर से मैं एक वीडियो को जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का रिलेटेड उसको डाल के बताता हूँ। तो डन पे क्लिक किया हूँ, अब वहाँ प्लेलिस्ट पे आपको आ जाएगा। तो इसी तरह से आपके प्लेलिस्ट में देखिए अब 5 वीडियो आ चुका है इस प्लेलिस्ट में। इस तरह से आपको भी बनाना है और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना है।